देख रहे हैं स्पीड न्यूज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुरादाबाद के विभिन्न केंद्रों पर एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई संपन्न। सभी केंद्रों की स्थिति को डीएम राकेश कुमार सिंह ने मुआयना कर जांचा। पिछले 3 दिन से जनपद में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोग घरों में कैद होने को हुए मजबूर। नगर निगम के कार्यों की खुली पोल। लखनऊ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को मुरादाबाद के उद्योगपति व व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में देखा लाइव। मुरादाबाद के 67 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई संपन्न। विभिन्न जिलों से आए परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। लगभग 15,000 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। टीएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से CALEM ट्रेनिंग प्रोग्राम के 4th दिन AMU के डीन फैकल्टी ऑफ स्टडीज प्रोफेसर नाजीम अली मुख्य वक्ता के रूप में रहे उपस्थित। एंटीग्रेड परीक्षा के चलते महानगर आया जाम की चपेट में। वह मुश्किल यातायात पुलिस ने संभाली यातायात व्यवस्था। आशादी फाउंडेशन के जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन। मरीजों की गई निशुल्क जांच। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व किसानों ने संयुक्त रूप से दीवान शुगर्स मिल अगवानपुर पर गन्ना भुगतान को लेकर दिया जोरदार प्रदर्शन। पाक बड़ा के नए मुरादाबाद में निर्माणाधीन मकान से चोरों ने पानी की मोटर और पंप पर किया हाथ साफ। मजोला थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर 4 युवक ले रहे थे जानलेवा सेल्फी। पुलिस ने युवकों को पकड़ किया परिजनों के हवाले। स्पीड न्यूज में इतना ही। नमस्कार।